तो कैसे हो क्रिकेट के दीवानों और क्रिकेट को चाहने वालों, उम्मीद है सब बहुत ही अच्छे होंगे क्योंकि आपको यहाँ पर मिल रही है लगातार बैक टू बैक टॉस मैच और सेशंस की विनिंग रिपोर्ट। आप देख रहे हैं ज्ञानकोश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स वुमेन और रॉयल चैलेंजर्स वुमेन के बीच। ये मुकाबला 17 मार्च को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम 7:30 से अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में खेला जाएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, करेंगे टीम का कंपैरिजन और जानेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 4 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से चारों ही मुकाबले दिल्ली वुमेन्स ने जीते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर हेड टू हेड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दिल्ली का पलड़ा हमेशा से ही आरसीबी पर भारी रहा है। अब बात करें अगर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, तो हमें दिल्ली कैपिटल्स वुमेन की ओर से ओपनिंग करती हुई नजर आएंगी कप्तान मैग लेनिंग और शेफाली वर्मा। ओपनिंग पेयर इनका काफी शानदार है और इनफॉर्म भी है। वहीं अगर मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर की बात की जाए तो हमें खेलते हुए दिखेंगी एलिस सेप्सी, जमीमा रॉड्रेज, एनाबेल सदरलैंड, जस जोनासन, अरुंधति रेड्डी और शिखा पांडे। तो यहाँ पर मिडल ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर मिडल ऑर्डर जमीमा रॉड्रेज और जस जोनासन, एनाबेल सदरलैंड जैसे धुआंधार बल्लेबाजों से भरा हुआ है। तो यहाँ पर मिडल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर और इनकी पूरी ही बैटिंग लाइनअप काफी शानदार नजर आ रही है और इन फॉर्म भी है। वहीं अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप में राधा यादव, तानिया भाटिया और तीता साधु खेलती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप भी दिल्ली के पास काफी शानदार है। वहीं अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात की जाए तो यहाँ पर बैंगलोर वुमेन्स की ओर से ओपनिंग करती हुई नजर आएंगी कप्तान स्मृति मंधाना और सबनी मेघना। स्मृति मंधाना जो कि फॉर्म में नजर आ रही है, लेकिन अभी तक मेघना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है, तो देखना ये होगा क्या इनकी ओपनिंग पेयर एक अच्छी साझेदारी निभाती है। वहीं अगर मिडल ऑर्डर की बात की जाए और लोअर ऑर्डर की बात की जाए तो हमें मिडल और लोअर ऑर्डर में खेलती हुई दिखेंगी एलिस पेरी, सोफी डिवाइन, दिचा घोष, जॉर्जिया वेग्राम, सोफी मोलिनिक्स और सिमरन बहादुर। इनका मिडल ऑर्डर काफी शानदार है। एलिस पेरी, सोफी डिवाइन और रिचा घोष तीनों ही इन फॉर्म नजर आ रही है। वहीं वेग्राम ने भी पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किया था। वहीं अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो हमें देखने को मिलेंगी एकता बिष्ट, आशा शोभना और रेणुका सिंह जो कि काफी शानदार बॉलिंग करती हुई दिखेंगी। वहीं अगर आप दोनों ही टीमों का कंपैरिजन कर लें तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर में हल्का सा पड़ा दिल्ली कैपिटल्स का भारी नजर आ रहा है। वहीं अगर मिडल ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर मिडल ऑर्डर लगभग दोनों ही टीमों का बराबर है। वहीं बॉलिंग लाइनअप में यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स वुमेन काफी स्ट्रांग है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पर। यही कारण है कि अभी तक सारे के सारे मैच दिल्ली बैंगलोर से जीतती हुई आई है। तो एक बार फिर से फाइनल एनकाउंटर मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच एक बेहतरीन शानदार हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके बीच जितने भी मुकाबले हुए हैं वो हाई स्कोरिंग ही रहे। तो ये मुकाबला भी हाई स्कोरिंग और जैकपॉट होने की पूरी पूरी संभावना है। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो ये मुकाबला खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। यहाँ के पिच आमतौर पर बैटर्स और बॉलर्स दोनों के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। यहाँ पर बैटर्स काफी बेहतरीन पारियां खेलते हुए दिखेंगे। यहाँ के फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 158, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 148 रन है। यहाँ का हाइएस्ट टोटल अभी तक 199 है, वहीं लोएस्ट टोटल की बात की जाए तो 113 है। यहाँ पर 191 हाइएस्ट चेज है, वहीं लोएस्ट डिफेंड की बात की जाए तो 192 है। यहाँ पर आज जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी। हमने बात की दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, साथ ही साथ किया टीम का कंपैरिजन। अब वक्त है हमारी फाइनल प्रेडिक्शन का। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम को इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि वहाँ पर टॉस की अपडेट, मैच की अपडेट तो आती जाती है, इसी के साथ सेशंस भी वहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं और जो अदर लीग चल रही है, अदर मैचेस चल रहे हैं और आने वाले आईपीएल की भी सारी सारी प्रेडिक्शन, टॉस मैच और सेशन की वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब बात करें अगर अपने पर्सनल प्रेडिक्शन की, तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं दिल्ली का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन हमारा पर्सनल प्रेडिक्शन ये कहता है, एनालिसिस ये कहता है कि इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन की टीम जीतेगी। हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में फाइनल विनर, ट्रॉफी विनर रहने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सेशन रिपोर्ट के लिए और टॉस प्रेडिक्शन के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए।